आज हम वेजिटेबल्स से भरपूर एक क्रिस्पी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो सबको बहुत ही पसंद आएगा। वेलकम टू मिमीज कुक बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन को जरूर से क्लिक करें जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले एक बैटर बना लेते हैं। 1/4 कप मैं बेसन ले रही हूँ। अब वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। 1/4 कप टमाटर, 1/4 कप शिमला मिर्च। सारे वेजिटेबल्स को हमें बारीक काट के ही लेना है। 1/4 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, इसमें आप एक बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हो। आपको जो पसंद हो वो वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो। बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप आपके स्वादानुसार लीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे जिससे सब्जियों का पानी हो तो अभी वो निकल जाए और बाद में हमें कम पानी की ज़रूरत पड़े। मैं इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल रही हूँ जिससे ये नाश्ता हमारा बहुत ही हेल्दी बनेगा। आप इसमें उबला हुआ कॉर्न भी ऐड कर सकते हो। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका मीडियम थिक बैटर बनाएंगे। ये देखिए, हमें ऐसा मीडियम थिक बैटर चाहिए जिसे हम आसानी से स्प्रेड कर सकें। मैं यहाँ पर बची हुई रोटियाँ ले रही हूँ। आप ये नाश्ता फ्रेश रोटी से भी बना सकते हो। इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ी हरी चटनी लेंगे, थोड़ा टोमेटो केचप लेंगे और दोनों को मिक्स करके पूरी रोटी पर फैला लेंगे। आप इनके बदले सेजवान सॉस या पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर रोटी पर कुछ भी ना लगा के आप इसे प्लेन भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने बैटर बनाया है वो लेंगे, इसमें से थोड़ा बैटर लेके इस रोटी पर पूरा फैला लेंगे। तवा को गरम कर लिया है, थोड़ा घी डाल के घी को स्प्रेड कर देंगे। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हो। अब जहाँ पर बैटर लगाया है वो साइड को पहले पका लेंगे। गैस को स्लो कर देंगे और ढककर पका लेंगे। नीचे की साइड पक गई है, अब ऊपर की साइड थोड़ा घी लगा लेंगे। टर्न करके इसे भी लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। वेजिटेबल्स से भरपूर ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। इसे आप दही या अचार के साथ सर्व कीजिए। इसे आप ब्रेकफास्ट के लिए या शाम के नाश्ते के लिए बना सकते हो। ये क्रिस्पी चीला बनके तैयार है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। पिज़्ज़ा कटर से इसे कट कर लेते हैं। आप भी ये हेल्दी रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।